नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslivemp.com। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार फिर आऊंगी और वो नाम बताऊंगी जिनमें से कुछ को तो मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने क्यों समय रहते सही फैसला नहीं लिया, या कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने का अफसोस या बीजेपी से कांग्रेस में ना शामिल होने का अफसोस उनको हो सकता है। ऐसे कुछ नामों की लिस्ट बहुत छोटी नहीं है, कम से कम 15 ऐसे नाम हैं जिन्हें वाकई ये लिस्ट जानने के बाद सिंधिया के बीजेपी में आने का बहुत अफसोस होगा, क्योंकि उनके समर्थकों की वजह से उनका नंबर कैबिनेट में आते आते रह गया। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि इसमें से एक नाम खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यानी यशोधरा राजे सिंधिया का है, जिनका इस बार कैबिनेट में होना फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उनका नाम उस लिस्ट में है जो इन वेटिंग हो सकते हैं, या शायद उनका नंबर ही ना आए, तो उसमें उनका यशोधरा राजे सिंधिया का नाम है, जिन्होंने बहुत गले लगाकर सिंधिया का स्वागत किया था पार्टी में और कहा था कि अब पूरी फैमिली बीजेपी में हो गई, एक ही पार्टी में हो गई। अब यशोधरा राजे को यकीनन थोड़ा अफसोस हो रहा होगा कि उनका भतीजा आखिर बीजेपी में क्यों आया। इसके अलावा एक नाम अरविंद भदौरिया का भी है, नाम चौंकाने वाला है क्योंकि अरविंद भदौरिया ने भी पार्टी की सरकार दोबारा बनने में बहुत मदद की, काफी उन्होंने भी रणनीति इसकी तैयार की, इसके बावजूद उनका नाम अभी कैबिनेट में नहीं आने की संभावनाएं हैं। और कुछ नाम है, हरिशंकर खटीक है, रामकिशोर कावरे हैं, विजय शाह हैं जो पहले भी मंत्री रहे हैं, विश्वास सारंग जो पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे लेकिन अब शायद उनका नंबर ना आए, रामेश्वर शर्मा है, इंदर परमार है, मोहन यादव है, मालवा से रमेश मंदोला बड़े मजबूत चेहरा माने जा रहे थे कि वो कैबिनेट में होंगे ही, लेकिन मालवा से अब दूसरे मंत्रियों को लाया गया है, तुलसी सिलावट आ ही चुके हैं सावेर से तो उनका नाम कट चुका है, विजेंद्र प्रताप सिंह है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस होगा संजय पाठक को। आपको याद होगा बीच में खबरें आई थी कि संजय पाठक जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, उस वक्त सरकार कमलनाथ की थी, लगातार अलग अलग तरीकों से दबाव भी बनाया जा रहा था उन पर कि वो जाए पार्टी किसी भी तरह कांग्रेस ज्वाइन कर लें, बीजेपी का पल्ला छोड़ दें, लेकिन उसी समय सिचुएशंस में कुछ इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि संजय पाठक वापस बीजेपी में ही रह गए। उम्मीद तो यही होगी कि फिर से मंत्री पद मिलेगा, लेकिन इस बार ये नाम जरा मुश्किल है कैबिनेट में शामिल हो पाना। यकीनन संजय पाठक को अफसोस होगा क्योंकि अगर कमलनाथ की सरकार होती तो शायद वो आगे पीछे मंत्री हो सकते थे, या हो सकता है अभी भी नाम उनका इन वेटिंग में भी आ जाए और जब इस विस्तार के बाद तीसरा विस्तार हो या दूसरा विस्तार हो उसमें उनको मौका मिल जाए। इसके अलावा एक नाम और है, गौरीशंकर बिसेन, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी दफ्तर के बहुत चक्कर लगाए हैं, विष्णु दत्त शर्मा से भी मुलाकात की है जो बीजेपी के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिले हैं, लॉकडाउन में अपने क्षेत्र से भोपाल तक आए, मुलाकात की, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज जो थी वो बिना किसी मतलब की साबित हुई। बिसेन का भी बहुत कम चांसेस है कि वो इस बार कैबिनेट में उनका नंबर आए, इन वेटिंग अगर हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगले एक्सपेंशन में उनका नंबर हो सकता है, या हो सकता है कि इस शिवराज सिंह चौहान के इस कार्यकाल में उनका नंबर ना आए। बहरहाल शिवराज अपने कुछ करीबियों और कुछ वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में लाने में कामयाब हो जाएंगे, सिंधिया के सारे समर्थक फिलहाल कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ये रणनीति फिलहाल बीजेपी की तय मानी जा रही है। कुछ बदलाव हुए तो हो सकता है कि उपचुनाव के बाद बदलाव हो, तो ये सिचुएशंस बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाली है, तो देखते रहिए आगे राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार।